नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हर्षा इंजीनियर्स कंपनी लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बहुत ही धमाकेदार आईपीओ है दोस्तों 14 सितंबर से ओपन हो रहा है तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के डिटेल्स के बारे में इसके बाद में हम बात करेंगे इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में और उसके बाद में हम देखेंगे दोस्तों इसके जी के बारे में यदि आपको इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है कितना प्रॉफिट आपको इसमें हो सकता है तो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिटेल्स में देखने वाले हैं तो आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबसे पहले देख सको तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों यदि आपके पास में आई में अप्लाई करने के लिए डीमेट अकाउंट नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंडिया के टॉप ब्रोकर का लिंक दिया गया है आप उनमें से अपना डी एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंजल वन में आप लोग फ्री में डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कंपनी के बारे में कंपनी 2010 से चली आ रही है यानी 2010 में स्थापित की गई इसके मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो हरीश रंगवाला इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों हर्सा इंजीनियर्स जो इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड है ये प्रीसीएसन बियरिंग केक्स की जो निर्माण करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है यानी ये प्रीसीएसन बियरिंग केक्स निर्माण करती है पिंजरे टाइप में होते हैं ना दोस्तों वो जो काम आते हैं ऑटोमेटिव रेलवे विमानन एरोस्पेस खनन कृषि विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स इनके जो नवीकरणीय क्षेत्रों में जो उपयोग में किए जाने वाले प्रीसीसिन बियरिंग केक्स है इनका निर्माण करती है इसके अलावा दोस्तों ये दो पार्ट्स में बिज़नेस करती है पहला है दोस्तों इंजीनियरिंग बिजनेस और दूसरा इसका है सौर ईपीसी व्यवसाय तो दो पार्ट्स में ये बिज़नेस करती है और ये एक इंटरनेशनल कंपनी है तो इसकी जो पांच विनिर्माण इकाइयाँ हैं इसमें से दो भारत के अलावा दूसरे देशों में भी है यानी विदेशों में भी है जिसमें चाइना और यू भी शामिल है तो ये एक इंटरनेशनल कंपनी है काफ़ी बड़ी कंपनी है तो यदि आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इसमें आप कर सकते हैं काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में भी आपको इसमें देखने को मिल सकता है इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं आईपीओ की डिटेल्स के बारे में तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इसकी प्राइस रेंज के बारे में तीन सौ चौदह रुपये से तीन सौ तीस रुपये इसका प्राइस रेंज रखा गया है तो आपको बेसिकली कट ऑफ प्राइस पे ही आपको इसमें अप्लाई करना है तीन सौ तीस रुपये कट ऑफ प्राइस पे आपको अप्लाई करना है इसके अलावा दोस्तों मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो चौदह हज़ार एक सौ तीस रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा लेकिन यदि आपको पैंतालीस लॉट का एक शेयर एक लॉट मिलने वाला है पैंतालीस शेयर का एक लॉट है तो यदि आपको मैक्सिमम प्राइस रेंज पर आपको करना है तो आपका चौदह हज़ार आठ सौ पचास रुपये के समथिंग आपको इसमें पेमेंट है वो करना पड़ेगा इसके अलावा दोस्तों इसके ईश्यू साइज़ की बात करें तो सात सौ पचपन करोड़ रुपए का ई साइज़ है इस आई का जो आप यहाँ पे देख सकते हैं अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में फटाफट से हम देख लेते हैं क्या इसकी इंपॉर्टेंट डेट है वो रहने वाली है सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों हरसा इंजीनियरिंग आईपीओ की जो ओपनिंग डेट रहने वाली है वो है 14 सितंबर 2022 14 तारीख से ओपन होगा और बेसिकली 16 तारीख को ये आई शाम चार बजे तक क्लोज हो जाएगा तो यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो चौदह तारीख से सोलह तारीख तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं बेसिक्स ऑफ अलॉटमेंट यानी इसका अलॉटमेंट कब होगा तो अलॉटमेंट डेट रखी गई है दोस्तों 21 सितंबर को यदि आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट होता है तो 21 तारीख को आपको एसएमएस आ जाएगा और आपका जो भी बैलेंस रहेगा वो डिडक्ट कर लिया जाएगा जो भी आपका बैलेंस ब्लॉक किया जाएगा वो डिडक्ट कर लिया जाएगा उसके बाद में यदि आपको किसी भी रीजन से आईपीओ अप्लाई नहीं हो यानी आपको आईपीओ पी अलॉटमेंट नहीं होता है तो 22 सितंबर को आपका जो भी अमाउंट है वो बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा यानी रिफंड कर दिया जाएगा इसके बाद में यदि आपको आई का अलॉटमेंट होता है तो आपके डिमेट अकाउंट में जो शेयर है वो तेईस सेप्टेम्बर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे जिस भी डीमेट अकाउंट से आपने अप्लाई किया है उसमें आपको क्रेडिट कर दिए जाएंगे उसके अलावा इसकी लिस्टिंग डेट रखी गई है दोस्तों 26 सितंबर 2022 यानी 26 सितंबर को ये आईपीओ मार्केट में रन करने लग जाएगा उसके बाद में आप लोग यदि आपको आईपीओ अलॉटमेंट होता है तो आप लिस्टिंग वाले दिन भी आप अच्छा प्रॉफिट कमा के बाहर निकल सकते हैं अब हम बात करते हैं दोस्तों कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में जो आपको बताएगी कि कंपनी का आईपीओ कैसा रहने वाला है और लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्मेंस करने वाली है सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इसके टोटल एसेट्स के बारे में तो मार्च दो में इसके पास में टोटल एसेट्स 195 करोड़ रुपए की एसेट्स है उसके बाद में आप लगातार देख सकते हैं 2020 में नौ सौ करोड़ रुपए के समथिंग एसेट्स है उसके बाद में नौ करोड़ रुपए, उसके बाद में ग्यारह अट्ठावन करोड़ रुपए। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कंपनी ने लगातार एसेट्स में इंक्रीज किया है यानी लगातार यहाँ पे एसेट्स में वर्दी की है इसके बाद में हम देख देखते हैं दोस्तों इसकी रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी ने रेवेन्यू भी अच्छा खासा जनरेट किया है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्च 2019 में 117 करोड़ रुपए रेवेन्यू जनरेट किया उसके बाद में आठ सौ निन्यानवे करोड़ रुपए 2020 में जनरेट किया और उसके बाद में 2021 में 876 करोड़ रुपए के समथिंग रेवेन्यू जनरेट किया उसके बाद में 31 मार्च 2022 को तेरह करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है जो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है यानी टोटल रेवेन्यू में भी इसने हर साल इंक्रीज़ किया है दोस्तों कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी को जरूर दोस्तों मार्च 2019 में यहाँ पर थोड़ा लॉस देखने को मिल रहा है ट्वेंटी करोड़ रुपये का लॉस जरूर हुआ है लेकिन उसके बाद में आप यहाँ पर देखोगे तो कंपनी ने एक बहुत ही अच्छा बैग किया यानी कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर टैक्स भरने के बाद में अच्छा प्रॉफिट है वो जनरेट किया है मार्च 2020 में 21 करोड़ रुपए का है उसके बाद में 45 करोड़ रुपए का है 91 करोड़ रुपए का है तो मार्च 2022 में आप लोग देखोगे तो कंपनी ने 91.94 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट जनरेट किया है जो एक बहुत ही अच्छा साइन है यदि आप कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है इसके अलावा दोस्तों नेटवर्क की बात नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ भी काफ़ी अच्छा कंपनी का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 1.41 करोड़ रुपये तीन करोड़ रुपये चार करोड़ रुपये और पाँच करोड़ रुपये यानी नेटवर्थ में भी लगातार आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है कंपनी ने फाइनेंशियल रिपोर्ट में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है यानी कंपनी ने प्रॉफिट है वो अच्छा खासा जनरेट किया है और ये कंपनी है वो धीरे धीरे जो है प्रगति कर रही है तो यदि आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट कंपनी की काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है अब हम बात करते हैं दोस्तों इस आई में आपको अप्लाई करना है यदि आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए इसके लिए हम एक बार जी को जरूर चेक कर लेते हैं तो इस कंपनी के जीएमपी को देखा जाए तो दोस्तों आपको यहाँ पे दो सौ पर शेयर आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है इसके अलावा आई की प्राइस तीन सौ मैक्सिमम मैंने पहले ही बताई है आपको यहाँ पर जी देखा जाए तो आपको यहाँ पर करीब सिक्सटी परसेंट का प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो दोस्तों बेसिकली जीएमपी को देखा जाए यदि आपको 50 परसेंट का प्रॉफिट भी देखने को मिलता है तो काफ़ी अच्छी बात है बेसिकली डेफिनेटली आप लोग इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं आपके पास में कमाई करने का अच्छा मौका है यदि आपके पास में डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप लोग डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों इस आईपीओ में आप लोग अप्लाई करके और अच्छा खासा प्रॉफिट है वो कमा सकते हैं लिस्टिंग गेन के दिन ही आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है जो आप जी जीएमपी को देख के चेक कर सकते हैं सो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा आईपीओ है जिसमें आपको धमाकेदार प्रॉफिट है वो देखने को मिल सकता है इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं फिर से एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में तब तक के लिए सीखते रहो कमाते रहो और खुश रहो